जी सेनेटर कुलसुम परवीन साहब जी, नंबरिंग पे जी तशरीफ रखें सेनेटर साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, बहुत ही नामसान हालात में और बहुत ज़्यादा जो ये वाक्या हुआ है, ये वाक्या पूरे मुल्क में जिस तरीके से देखा गया, सुना गया और जो लोगों का रिएक्शन आया, वो मतलब मैं समझती हूँ कि तारीख ने एक दफ़ा फिर करबला को दौड़ा दिया। ये वैसे ही वाक्या है जैसे इमाम हसन हुसैन के सामने उनकी औलाद को शहीद करते गए। ये भी नहीं सोचा कि जो ये माँ बाप बैठे हैं, ये जो बच्चे ज़िंदा रह गए हैं, इनकी आंखों के आगे ये फिल्म, जब तक ये ज़िंदा है ये फिल्म चलती रहेगी। जनाब चेयरमैन, एक बात कही गई कि बलूचिस्तान की बात नहीं करते या बलूचिस्तान के हालात बयान नहीं करते। आपको शायद, आप उस वक्त कम उम्र हो गए और सरफराज बुकटी साहब मेरे ख्याल एचिसन में पढ़ रहे थे, जब जनाब डॉक्टर शाजिया मरिया का वाक़या हुआ और सना बलोच साहब जो कि इस वक्त MNA हैं, वो वाक़या इतना उठा, उसको दबाया गया, वो इतना उठा कि, और हम गवर्नमेंट बेंचेस होने के बावजूद हमने ओपोजिशन का साथ दिया और आखिरकार नवाब बुकटी की शहादत हो जाती है, जो भी कहें उसे आप। जनाब, ऐसे वाक़या दबते नहीं हैं, ऐसे वाक़े जो हैं वो अपने वक्त के साथ साथ उभरते रहते हैं। हमें इन वाक़यात का हल चाहिए। क्या किसी को मर्डर करने का कोई लाइसेंस है किसी के साथ? जो वीडियो सामने आ रही है उसमें तो ये जुल्म भी दिखा रहे हैं कि उनका सामान उठा के दूसरी गाड़ी में डाला जा रहा है, उनकी सूटकेस, उनके बैग से, उनके कपड़े, वो नन्हे बच्चे, शादी के लिए पोनियाँ बांधी बच्चियाँ। मैं मतलब इस वाक्य को बयान करने के लिए तो बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। जनाब चेयरमैन, यकीन सब ने यहाँ पर बहुत बात की है, मगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हमें चाहिए कि हम इस पर कानून साजी करें और ऐसा सख्त कानून बनाएं जो वाक्या जो जिसने ये किया है और जिन लोगों को ये इजाज़त मिली है और वो जो लोग जिससे वायरलेस पे अदायात ले रहे थे, उन तमाम लोगों को कटहरे में लाया जाए, उन तमाम लोगों से सुना जाए और फिर जो फैसला कौम का हो उसी फैसले का खैर मकदम किया जाए। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की, यकीनन वो एक नए आदमी हैं और शायद हालात की सीरियसनेस को इतना नहीं जानते। वज़ीर कानून ने जो बात की, मेरे भाई उस्मान काकर कहते हैं कि मैं नहीं जानता, हालांकि ये जानते हैं, उनका ताल्लुक, उनकी बीवी का ताल्लुक बलूचिस्तान से बहुत गहरा है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी वही हुकूमती ज़बान बोली होगी, मगर इस तरीके से बात को तोड़ मरोड़ के चार लोग जब बयान करेंगे तो लोग उसे झूठ ही समझेंगे। यानी जो बात हकीकत है वो सामने नज़र आ रही है। अभी जैसे बात की गई कि हमें सबको मिल के, मुझे बड़ी अच्छी लगी कौदा बाबर की बात, हमें सबको ये मिल के बात कहनी चाहिए कि हमने ये जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म को रोकने के लिए क्या करना हुआ, क्या ये JIT जो बनी है क्या हमें तस्लीम है? मेरा ख्याल कतन तस्लीम नहीं है। ऐसा तरीकाकार, क्योंकि पिछली JIT आप देख रहे हैं ना, 1927 का वाक़या भी सामने आ गया जब नवाज शरीफ के वालिद पैदा हुए थे उस वक्त का, तो मेरा ख्याल है कि हमें अब ये चाहिए जो हालात, जो वाक़यात जिस तरीके से हुए हैं उनको सामने लाया जाए और उन वाक़यात की रोशनी में जो सज़ा तजवीज़ की जाए वो ऐसी हो ताकि कौम के लिए भी आइंदा के लिए सबक हो। जहाँ तक आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पुलिस को रिफॉर्म होना चाहिए और बाकी अदालत के, आपने ये टाइम दिया। सादत हसन मंटो से किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे मुल्क का हाल क्या है, तो मंटो ने कहा वैसे ही जैसे जेल में जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, अजान फराडिया देता है, इमामत कातिल कराता है और पीछे नमाजी सबके सब चोर। खुदारा इन चीज़ों को हमें बड़ा थॉरली देखना होगा, एक कौम की तरीके से देखना होगा, एक नेशन की तरीके से देखना होगा। तमाम लोगों को, कोई किसी का काम नहीं है कि यहाँ हम पॉइंट स्कोरिंग करें, भले हमारा काम ये है कि ये इतना बड़ा दहशत गर्दी का वाक्य हुआ, मैं दहशत गर्दी कहूँगी,
इस पे हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और तजवीज़ दे के लाहिल अमल करना चाहिए। फिर आपकी जो रूलिंग होगी उसको भी आप जिस तरीके से देंगे उसके मुताबिक हमें देखना और सोचना चाहिए। थैंक यू जी। जी सेनेटर